हेलो दोस्तों, स्वागत है पिजल नंबर एसआरके में एक बार फिर से दोबारा से। दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी लेके आया हूँ कबूतर फीडिंग के बारे में। कबूतर के जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उन छोटे बच्चों को हम कैसे बचा पाए ठंड में, क्योंकि ठंड में ज्यादातर कबूतर जो होते हैं वो अपने बच्चों को भरा नहीं पाते क्योंकि वो पानी नहीं पी पाते। फिर पानी ठंडा भी होता है, अगर हम गुनगुना पानी भी रखते हैं तो फिर भी कम ही पीते हैं, तो इस वजह से आपके बच्चे मरने के ज्यादा चांस होते हैं। तो हम कबूतर के छोटे बच्चे हम कैसे बचा सके, उसके ऊपर कैसे फीड बनती है कैसे नहीं बनती है, बहुत से भाइयों को पता नहीं है कि फीड कैसे बनती है, तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा देखें, जो आपका वीडियो पूरी अच्छी तरीके समझ में आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या लाना है और क्या क्या फीड में मिलाना है, कैसे कैसे मिलाना है, उसके ऊपर पूरी वीडियो है। और कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है, किस तरीके से देनी है, पूरे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको किसी भी मेडिकल पे जाके सेरेलैक ले आना। सेरेलैक वीट 6 मंथ में होता है ये। सेरेलैक वीट ले आना है, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरे आपको ले आना है ओट्स, किसी भी कंपनी के चलेंगे ओट्स ले आने हैं आपको, ठीक है। ओट्स के बाद आपको क्या करना है, किसी से क्या ले आनी है, आपको बेसन ले आना है, कोई सी कंपनी का बेसन चलेगा। तो आपको ये तीनों चीज ले आनी है, पहला सेरेलैक, दूसरा ओट्स किसी भी कंपनी का, तीसरा बेसन, और एक ए टू जेड की टेबलेट वो जरूर लानी है, ए टू जेड की टेबलेट। अब क्या करना है, ओट्स जो होते हैं ये मोटा होता है, तो ये आपको क्या करना है, मिक्सी में पीस लेना है बारीक बारीक आटे के तरीके, जैसे ये मैं पीस चुका हूँ, ये रहा मैंने पीस लिया है ओट्स। तो फिर आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बड़ा डिब्बा जिसमें आपकी ये फीड पूरी तरीके से आ सके, आपको पूरी बड़ा डिब्बा, जैसे मेरे पास ये है, तो मैं इसके अंदर फीड बनाता हूँ। मैंने सोचा कि आप भाइयों के लिए बना दूँ, जो बच्चे नहीं बचा पाते सर्दियों में, तो उनके लिए मैं ये स्पेशल बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले सेरेलैक इसके अंदर डाल देना है पूरा। अगर आपने ओट्स पीस लिया है तो आपको पूरी बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे मिलाना है। आपने सेरेलैक लेना है, ये आपको डाल देना है, मैंने पहले डाल चुका हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ, तो मैं ही डाल चुका हूँ, इसके अंदर पड़ा हुआ है। फिर आपके उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो ओट्स है ये भी इसके अंदर डाल देने। तो ये मैं तीनों चीज इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो मैं इसके अंदर ये मिला रहा हूँ, ये ओट्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है डिब्बे के अंदर। सेरेलैक पहले डला हुआ था, अब ये बेसन है, ये बेसन है, बेसन ही मैं इसके अंदर ही डाल रहा हूँ। दोस्तों ये फीड इतनी बढ़िया है कि आपके बच्चे मरने के चांस तो बहुत कम ही हो जाते हैं। जैसे बच्चे पेट में पोटे में दाना नहीं है, तो आके फीड बनाइए और गुनगुने पानी में मिलाइए और बच्चे को दे दीजिए। कैसे दी जाती है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये मैं डाल चुका हूँ डिब्बे में, इन्हें मिक्स करनी है। दोस्तों जैसे कि मैं ये पूरी फीड डिब्बे में डाल चुका हूँ, तो अब से मुझे मिलाना है। जो ए टू जेड की टेबलेट थी वो मैंने मिक्सी में पहले पीस ली थी ओट्स के साथ, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। ए टू जेड की अगर आपको बता रही है तो मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा। ए टू जेड की टेबलेट ये रही, एक टेबलेट डालनी है आपको। जब आप ओट्स पीसो तो उसके अंदर ही मिक्सी के अंदर डाल देना, उसे वही पिस जाएगी। तो ये अभी इसमें तीनों चीज डल चुकी हैं, तो आप मैं अभी इन्हें मिला लेता हूँ। कैसे ही मिला सकते हो आप, दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरी फीड जो है वो तैयार कर दी है। अब दोस्तों इस फीड को देते कैसे हैं बच्चों को वो देखिए पूरा, किस तरह हम इस फीड को बच्चों को कैसे दें, तो मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कैसे दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे शुरू में पानी गर्म कर लेना है, ठीक ठाक गर्म होना चाहिए जो उसमें जल्दी तैयार हो सके। तो अगर आपको एक बच्चों को देनी है या दो बच्चों को देनी है, तो उस हिसाब से स्कूप रहता है इसके अंदर, साइड लैक में निकलता है। तो मुझे तो सिर्फ दो बच्चों या तीन बच्चों को देनी है, तो एक स्कूप ले लेता हूँ और ये मैंने गुनगुने पानी में डाल दिया और एक थोड़ा सा आधा स्कूप।
अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब आप इसे डाल दो गर्म पानी में तो इसे 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 या 3 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके तैयार हो जाएगी। 2 या 3 मिनट के बाद इसे छोड़ दें पूरी फीड को। हम इसे छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था 2 मिनट हो गई है, फीड तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। तो कैसे कबूतरों के बच्चों को दी जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 2 बच्चे लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो कोटे में भी इनके कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दी जाती है। ये मेरी फीड है जो मैं अभी बनाई थी और तैयार हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, एक सिरिंज लेनी है, ये पाइप कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसे देते कैसे दिखाता हूँ। ये आपको भर लेनी है पूरी, ये भर ली मैंने पूरी। तो बच्चों को दिखाता हूँ आपको, आपको बच्चे की क्या करनी है, आपको एक चोंच पकड़नी है बच्चे की और बहुत प्यार से करना है। ये एक सिरंज मैंने इसे पिला दी है और दूसरी सिरंज इस वाले बच्चे को। ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये कोटे में देख लें कितनी जगह है उसी हिसाब से खिलाएं। अब देखिए मैं खिला चुका हूं इन्हें, कोटा एकदम फुल एंड फुल हो गया है। अगर आप भी ऐसे करोगे तो आपके बच्चे ज्यादातर मरेंगे नहीं, सेफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे। तो फीड जरूर बनाएं ये वाली, और ज्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है, इजीली बन जाएगी और अपने अनुसार बना सकते हो। आप कितनी क्वांटिटी किस हिसाब से रखना चाहते हो फीड की, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा, कि बहुत सी बातें हैं कि बहुत से भाइयों को पता नहीं होती कि सर्दी में हम अपने कबूतरों को कैसे फिट रखें, उनके लिए क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं, उसके मल्टी विटामिन में कुछ बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।